हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रियलमी 7 प्रो में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल साउंड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले ऊपर से नीचे को ऐसे स्क्रॉल करना है, एक बार फिर से करेंगे और यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है ऑप्शन स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर ना मिले तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। एक तो सेटिंग वाला आइकन है, एक ये वाला आइकन, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको ऐप शो हो जाएंगी। आपको सिंपली जिस भी ऐप को यहाँ पर ऐड करना है उसे हम जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी उसे आपको ऐसे लॉन्ग प्रेस करके ऐसे ऊपर सेट कर देना है और यहाँ पर सेट कर देंगे, छोड़ देंगे और बैक कर देंगे। मतलब यहाँ पर सेट करके बैक कर देना है और आपका ये वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो फिलहाल हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी, ये रेड वाले डॉट पर क्लिक करेंगे और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। इसे हम यहीं से बंद कर सकते हैं और ये बंद हो गई, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देखते हैं। दोस्तों अगर आपको सिस्टम साउंड यहाँ पर करना है, सिस्टम साउंड आपको रिकॉर्ड करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, जैसे कि आपको गेम गुम खेलनी है उसके साथ, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये दूसरी वाली ऑप्शन को ऑफ कर देना है। अगर दोस्तों आपको माइक्रोफोन से या फिर फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और पहले वाली ऑफ कर देनी है। तो अगर आप वीडियो रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने हिसाब से हाई मीडियम लो चाहे जो भी सेट कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से भी बिटरेट भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा चाहते हैं तो इसे ऑन कर देंगे, नहीं तो आप शो टच, अगर आपको टचेस चाहिए ऐसे यहाँ पर टच करेंगे तो वो शो होगी, तो वो इसे आप ऑन कर देंगे। यही है इसकी सेटिंग्स।